सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कन्या राशि के राशिफल के बारे में, दिनांक 22, 23, 24, 25 और 26 जून के बारे में। वीडियो पूरा देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। कैरियर के हिसाब से समय थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, धीरे धीरे चीज़ें अपने आप रास्ते पर आ जाएंगी। परिवार में कलह का माहौल बन सकता है, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। भाषा का प्रयोग करते समय सतर्क रहें, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, पढ़ाई में मन लगाने की कोशिश करें, वरना नुकसान आपका ही होगा। पढ़ाई को लेकर गंभीर होने की जरूरत है, सेहत को लेकर लापरवाही ना बरतें, अपनी फिटनेस को लेकर सजग रहें, नियमित योग और व्यायाम करें, लाभ होगा। इस समय नई जमीन खरीदना और जमीन बेचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बुध के एकादश भाव में गोचर के चलते आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। छोटी मोटी परेशानियों को भी इस समय नजरअंदाज करने की कोशिश ना करें। बात करें चंद्र के गोचर की, तो इन दिनों की शुरुआत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में होंगे। इस भाव में चंद्र के गोचर के दौरान भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके भाई बहन इस समय आपको हर काम में सहयोग करेंगे। छोटी दूरी की किसी यात्रा पर जाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। चतुर्थ भाव में चंद्र के गोचर से परिवार के लोगों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, जिसके चलते आपको मानसिक तनाव होने की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी इस समय आपको सतर्क रहना होगा। इसके बाद चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। चंद्र का यह गोचर आपकी कई परेशानियों को दूर कर देगा। कार्य क्षेत्र और घर में माहौल पहले से बेहतर होने की वजह से आपको भी मानसिक शांति मिलेगी। इस राशि के कुछ जातकों को इस समय धन लाभ होने की भी प्रबल संभावना है। इन दिनों के अंत में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। इस समय आपको संतान पक्ष की तरफ से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। आपकी संतान की वजह से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति इस समय गंभीर रहने की आपको आवश्यकता है। शराब सिगरेट जैसे मादक पदार्थों का सेवन ना करें। माता के साथ आपके संबंधों में इस समय सुधार आएगा। जय माता दी। ईश्वर आपकी हर मनोकामना को पूरी करें।